मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। टुडे वी विल डू आर ग्रामर टॉपिक गैप फिलिंग। फर्स्टली वी हैव टू रीड द पैराग्राफ। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आई नो दैट according to your level you have not much knowledge about your grammar, and also you don't have any proper trick how to translate sentence into another language. So according to your skill, according to your basic knowledge, I will give you some tricks to solve the paragraph and do it very accurate manner. Firstly, we have to read the paragraph. Color can be nutrients for mind as vitamins are for dash body. हमारे पास options हैं, and the, a, and. Students, सबसे पहले आपको देखना होगा कि blank से पहले और after वाला word for डैश बॉडी। फर्स्टली हम पहली ऑप्शन को पुट करके देखते हैं, फॉर एन बॉडी। हमें पता है कि एन जो यूज़ होता है वो वॉल साउंड के साथ होता है, बट बॉडी में कोई भी ऐसी वॉल साउंड नहीं आ रही है, सो एन इज़ इनकरेक्ट आंसर, सो वी हैव टू क्रॉस इट। आफ्टर देन अ सेकेंड ऑप्शन देखनी पड़ेगी, सेकेंड ऑप्शन इज द। अभी फॉर द बॉडी कहीं लेवल तक सेंस बन रही है, प्रॉपर सेंस बन रही है, विटामिन आर फॉर द बॉडी, तो द को एक बार पेंडिंग रखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि शायद नेक्स्ट ऑप्शन ही मोर सूटेबल ना हो। तो फॉर अ बॉडी, किसी एक बॉडी की बात नहीं कर रहे हम, तो यहाँ पे अ भी नहीं लगेगा। फॉर एंड बॉडी, एंड इज ऑल्सो कंजक्शन, एंड वी कॉन्ट पुट a preposition and conjunction together, so and is also an incorrect option. The left option is the, so the is the accurate option for this sentence. Next, avoid wearing colors that makes you feel down, like black dash dark blue. यहाँ पे black और dark blue दो colors की बात करी गई है, एक ही categories के color की बात करी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंड, सेकंड है बट, थर्ड है और, एंड फोर्थ है बिकॉज। एक बार एंड को पेंडिंग रखते हैं, बट ब्लैक बट डार्क ब्लू, इट्स नॉट गट एक्यूरेट सेंस टू दिस सेंटेंस। ब्लैक और डार्क ब्लू, वी हैव आल्सो टेक इट एज पेंडिंग, एंड ब्लैक बिकॉज डार्क ब्लू इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। अब फाइनली डिसाइड होता है एन ऑन और में से क्या अप्लाई करेंगे, तो मैं बता देता हूँ, और वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आपको दोनों चीज़ों में से कोई ऑप्शन हो, या तो ब्लैक या फिर डार्क ब्लू। और एंड यह होता है कि ब्लैक और डार्क ब्लू, जहाँ पे हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं, बिकॉज देर इज़ नो ऑप्शन, देर इज़ दे आर ऑल्सो एन इक्वली सिचुएशन, देन वी हैव टू अप्लाई हियर एंड। गो फॉर वार्म ब्राइट डैश एक्टिव कलर्स, एंड एक्टिव कलर्स, इट एक्टिव कलर्स, विद एक्टिव कलर्स, बट एक्टिव कलर्स, but is also an incorrect option. Go for warm, bright, with active colors also an incorrect, it also an incorrect, and is accurate. Natural colors soft, such as soft shade of blue, dash of soothing calming effect, these alternative anxiety and tension. Blue, अभी ब्लू और सूदिंग क्लानिंग इफेक्ट ब्लू के पास होता है, तो हमने शेड्स ऑफ ब्लू ज़्यादा कलर्स की बात करी है, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे, सो इट इज़ अ सिंपल वे टू सॉल्व एनी
paragraph with accurate option that you have given in a gap filling, because there is no proper rules and proper criteria for that for to crack this, for to solve this paragraph. So I hope you will get better knowledge about this. In your group I have given you some another exercise for self solvation. I hope you will solve it and get and make your knowledge better. Thank you.